हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक टैबलेट जिसे हम जानते हैं फ्लॉक्सिब 250 mg के नाम से। दोस्तों, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्स 250, फ्लॉक्सिब 250। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे, इसे कैसे लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिसिन को लेकर डाउट है या किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लॉक्सिब 250 mg टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ये एक OTC मेडिसिन है। दोस्तों, इसे जो कंपनी बनाती है वो है एबॉट कंपनी। दोस्तों, इसकी बेसिक बातें जाने तो ये 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है जिसकी MRP 23 रुपये होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों, इसके अंदर एक ही साल्ट होता है, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg। दोस्तों, अब जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो हमारी बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। दोस्तों, डॉक्टर इसे कई तरह के रोगों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दोस्तों किसी को क्या नज़ला हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी को फीवर हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसे जो है बहुत से डॉक्टर एलर्जी में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक है ये। दोस्तों, इसे इसके अलावा टाइफाइड में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं इसे लेना कैसे, टैबलेट को, इसके डोसेज के बारे में। तो दोस्तों, इसे आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों, अगर आपको ये टैबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी पर कहीं पर दाद हो जाए, मतलब चकत्ते पड़ जाए लाल लाल, तो इस टैबलेट को आप यूज़ ना करें, ये टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। दोस्तों, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपका मुंह सूखा हो सकता है, आपको मतली भी हो सकती है, आपको उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं, वह बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। किडनी पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। लीवर पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। और जो औरतें अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों, छोटे बच्चे इसे बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें, और इसे लेने से पहले एक बार एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए और इसकी ओवरडोज ना लें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर किसी भी मेडिसिन की जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, कृपया करके सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी दवाई अपने बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी फ्लॉक्सिब 250 mg टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।